हेलो गाइस, मेरा नाम है नरेंद्र गोहेल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो और अपनी खुद की फ़ोटो पे ट्राई करना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरह की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। हमारी जो मेन फ़ोटो है उसे मैंने पहले से ही फ़ोटोशॉप में ओपन करके रखा है। सबसे पहले इस फ़ोटो में से बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। चैनल के ऊपर क्लिक करें और जिस भी चैनल में कॉन्ट्रास्ट सबसे ज़्यादा हो उस लेयर को सिलेक्ट करके कॉपी करें। इमेज एडजस्टमेंट लेवल, ऊपर के तीन स्लाइडर का यूज़ करके बैकग्राउंड को वाइट कलर और मेन सब्जेक्ट को ब्लैक कलर से फिल करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके लेयर के ऊपर क्लिक करें, आरजीबी लेयर पे क्लिक करें, लेयर में जाए, अल्ट प्रेस करके मास्क के बटन पे क्लिक करें। अब बैकग्राउंड वाली फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करेंगे, उसकी साइज और पोजीशन सेट करेंगे। बैकग्राउंड लेयर को नीचे रख लेंगे, मास्क के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब ब्रश की मदद से सिलेक्शन को स्मूथ करेंगे। ब्रश सिलेक्ट करें, एक्स प्रेस करके ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लें और एक्स्ट्रा हिस्से को इरेज करें। अब इस फोटो के अंदर सबसे पहले हम कपड़ों पे काम करेंगे, उसके बाद फेस के ऊपर। राइट क्लिक करके रेक्टेंगल मार्की टूल सिलेक्ट करें और टी शर्ट का सिलेक्शन करें। लेयर थंबनेल के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस करें। अब इस लेयर को नीचे रख लेंगे, फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसकी पोजीशन और साइज सेट करेंगे। राइट क्लिक करके कर्व पेन टूल सिलेक्ट करें, रेंडम पॉइंट क्रिएट करके पाथ बनाए। पाथ पूरा होने के बाद पॉइंट को मूव करके पाथ का शेप दे, या फिर लाइन पे क्लिक करके नया पॉइंट क्रिएट करें और पाथ का शेप दे। राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे टू टाइप करके ओके करिए। मास्क के बटन पे क्लिक करें, यहाँ मास्क लेयर पे क्लिक करके ब्रश सिलेक्ट कर ले और ब्लैक कलर की मदद से एक्स्ट्रा हिस्से को इरेज करें। यहाँ पे क्लिक करके न्यू लेयर क्रिएट करें, उस लेयर को नीचे रखें, दोनों लेयर के बीच में जाके अल्ट प्रेस करके क्लिक करें जिससे कि ऊपर वाली लेयर नीचे से मर्ज हो जाए। अब ब्रश की मदद से ब्लैक कलर सिलेक्ट करके शेडो क्रिएट करें। शिफ्ट प्रेस करके इस लेयर पे क्लिक करें, कंट्रोल ई प्रेस करें जिससे कि ये दोनों लेयर मर्ज हो जाए। अब ऊपर की लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके कर्व पेन टूल सिलेक्ट करें, फिर रेंडम पॉइंट क्रिएट करके पाथ बनाए। पाथ को पूरा होने के बाद पॉइंट को मूव करके या फिर न्यू पॉइंट क्रिएट करके पाथ का शेप दे। मैंने पहले से ही पाथ बनाया हुआ है, इसलिए मैं पाथ में जाके वहाँ से पाथ को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर लेयर में जाके उस पाथ को मैं एक्टिव कर लूँगा। राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन, फेदर वैल्यू 0 रखेंगे। मास्क के बटन पे क्लिक करके ब्रश की मदद से ब्लैक कलर सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा हिस्से को इरेज करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को हटा देंगे। अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ हिस्सा है उसे भी इरेज कर लेते हैं। अब और एक पाथ क्रिएट करेंगे जो मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है। पाथ में जाके मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, फिर लेयर में जाके उस पाथ को एक्टिव कर लूँगा। राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन, फेदर वैल्यू 0, फिर डन। न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, उसे नीचे रखेंगे, ब्रश सिलेक्ट करें और अल्ट प्रेस करके अपने स्किन पर से जो डार्क कलर है उसका सिलेक्शन करें, फिर उसी कलर को सिलेक्शन के अंदर फिल करें। कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को हटा दे, न्यू लेयर क्रिएट करें, अल्ट प्रेस करके दोनों लेयर के बीच में जाए और वहां पे क्लिक करें जिससे कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से मर्ज हो जाएगी। अब ब्रश सिलेक्ट करें, डी प्रेस करके ब्लैक कलर सिलेक्ट कर ले
और शैडो क्रिएट करें। शिफ्ट प्रेस करके इस लेयर पे क्लिक करें, कंट्रोल ई प्रेस करके दोनों लेयर्स को मर्ज कर दें। तो दोस्तों ये जो हमने सारी प्रोसेस की वो सिर्फ इस वाले हिस्से को क्रिएट करने के लिए की है। अगर आप ये क्रिएट करना नहीं चाहते तो मैं इस वाले हिस्से की PNG की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस PNG का यूज़ डायरेक्ट अपने फ़ोटो में कर सकते हैं। इस तरह से करना है उस PNG का यूज़, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरी फ़ोटो ओपन करके रखी है, अब यहाँ पे मैं उस PNG को ऐड करूँगा। अब PNG वाली लेयर को ऊपर की तरफ रख लेंगे, फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और उसकी साइज और पोजीशन को सेट करेंगे। फिर दूसरी लेयर पे क्लिक करके मास्क के बटन पे क्लिक करें, ब्रश सिलेक्ट करें, ब्लैक कलर सिलेक्ट करें, एक्स प्रेस करके और एक्स्ट्रा हिस्से को इरेज करें। तो कुछ इस तरह से आप इस PNG का यूज़ कर सकते हो। लंबी प्रोसेस करने से अच्छा है डायरेक्ट इस PNG को उसकी जगह पे लगा लो और काम बन गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल पे। इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक करें। अब जो भी यहाँ पे मैंने सेटिंग करके रखी है आप भी वो सेटिंग यूज़ करें और डन कर लें। सबसे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और ई प्रेस करें, जिससे कि एक मर्ज लेयर आपको मिलेगी। उसके बाद फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर मैंने कुछ इस तरह का इफेक्ट अचीव किया है, ये रही उसकी सेटिंग। आई होप कि आपको ये फोटो एडिटिंग पसंद आई होगी। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताइएगा, और अगर आप ये फोटो एडिटिंग ट्राई करें तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर DM कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।